नमस्कार, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसा ऑर्डर है जो किसी स्पीसीज को उसके मानक अपचयन विभव यानी रेडोक्स पोटेंशियल, रेडोक्स विभव के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करने पर प्राप्त होती है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी स्पीसीज यानी धातु या आयन को उसके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त सीरीज सक्रियता सीरीज, सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। अब हमने यहां पे कहा रेडॉक्स पोटेंशियल के बढ़ते हुए मान, मानक अपचयन विभव के मान। तो मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, वह आयन, वह धातु, वह स्पीसीज उतना ही अधिक प्रबल अपचायक होगा, यानी वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा। और इसके विपरीत जिन स्पीसीज का, जिन धातु या आयन का मानक अपचयन विभव जितना अधिक धनात्मक होता है, वह धातु या आयन या स्पीसीज उतना ही अधिक प्रबल ओक्सीकारक होता है। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऑर्डर के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनके माइनस से प्लस की ओर, यानी जितना 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 अधिक नेगेटिव होता है उसको हम पहले लिखते हैं। लिथियम, लिथियम का माइनस 3.05, पोटेशियम का माइनस 2.93, बेरियम का माइनस 2.9, कैल्शियम का माइनस 2.87, सोडियम का माइनस 2.71, मैग्नीशियम का माइनस 2.37 और एल्यूमिनियम का माइनस 0.83 और जिंक के लिए माइनस 0.76। आयरन, आयरन प्लस 2 की बात करें माइनस 0.44। तो आगे इसी ऑर्डर में कैडमियम, कोबाल्ट, तो निकल, निकल के लिए माइनस, कोबाल्ट 2 के लिए माइनस 0.2, निकल के लिए निकल के लिए माइनस 0.25, एसएन प्लस 2 यानी स्टेनस के लिए माइनस 0.14 और लेड के लिए माइनस 0.13। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। हाइड्रोजन का जो मानक अपचयन विभव होता है वो 0 होता है। तो अब जिनका मानक अपचयन विभव नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, जैसे ऋणात्मक में भी अधिक ऋणात्मक, जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम, तो यहाँ तक सोडियम तक की बात करें तो ये प्रबल अपचायक होते हैं जो अम्ल के साथ रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्योंकि जब हम इसके रिएक्शन की बात करें तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये जिनका मानक अपचयन विभव नेगेटिव होता है वो आसानी से हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं एसिड के साथ रिएक्शन कर। यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, कैडमियम ये मॉडरेट कंडीशन में होते हैं। कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, ये इनका मानक अपचयन विभव मान इतना ऋणात्मक नहीं होता है, 0 के लमसम होता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। लेकिन जिनका और इसके बाद कॉपर, कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस 1, आयोडीन, आयरन प्लस 3, देखिए आयरन प्लस 2 जो है उसका माइनस 0.44 होता है, आयरन प्लस 3 का प्लस 0.77 होता है, और Ag प्लस 1, Hg प्लस 2, तो इनका ये बिल्कुल भी यानी
प्लस में होता है इनका, धनात्मक होता है, तो ये औष्णिकारक प्रवृत्त नेचर होती है इनकी, इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर होती है। और इसी ऑर्डर में हम बात करें, हम ऑरम, सीरियम, मैंगनीज, कोबाल्ट प्लस 3 और फ्लोरिन। फ्लोरिन सबसे ज्यादा धनात्मक मानक अपचयन युग्म होता है, तो ये प्रबल औष्णिकारक के रूप में होता है। तो एक सिंपल क्वेश्चन की बात करें हम, कि यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लिथियम प्रबल अपचायक होता है परंतु फ्लोरिन प्रबल औष्णिकारक होता है, क्योंकि लिथियम का मानक अपचयन विभवमान अधिक ऋणात्मक होता है, -3.05 होता है, इसलिए ये प्रबल अपचायक होता है। और फ्लोरिन का जो मानक अपचयन विभवमान है वो 2.87 होता है, इसलिए ये प्रबल औष्णिकारक होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हाइड्रोजन से हम लिथियम की ओर जाते हैं तो अपचायक गुण बढ़ते जाते हैं, और यदि हम फ्लोरिन की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, औष्णिकारक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मानक अपचयन युग्मों के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करने पर प्राप्त होती है। थैंक यू।